शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है। कश्मीर क्यों अपना परिवार माना हुआ है, तो इससे बढ़ के क्या चाहिए? जो परिवार का हिस्सा होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। हम ये सोच नहीं सकते थे कि हम यहाँ तक आ सकेंगे और मोदी को खुद अपनी आंखों से देख सकेंगे। हमने बहुत इंतजार किया इस दिन का कि ये दिन आए। इससे पहले भी मैंने 2018 में इससे मुलाकात की और मैंने इसको कुछ बातें बोल दी उस टाइम, क्योंकि किसानों के बारे में, लड़कियों के बारे में, शुक्र है अल्लाह का उसने वो उसी टाइम वो सारी स्कीमें फिर वो लॉन्च हो गई। आज लोग तो देख रहे हैं कि आज मोदी जी की जब से हुकूमत आई है, आप देखो तब से कितनी डेवलपमेंट हुई है। हर एक घर शांति से बैठा हुआ है, हर एक बच्चा शांति से चल रहा है, हर एक बच्चा शांति से कॉलेज जा रहा है। आज यहाँ पे ना कोई पत्थरबाजी हो रही है, ना कोई किसी जगह कॉल दी जा रही है। आज सारा कुछ अमन से चल रहा है। शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है। हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। हम तो खुश नसीब हैं कि दूसरी बार हमारे यहाँ पे हमारी धरती पे और हमारी घाटी में इन्होंने विजिट किया, तो इससे बड़ी खुशी क्या होती है। क्योंकि बदलता कश्मीर है, बदल गया कश्मीर। वो पथराव चले गए, वो खून खराबा चला गया। रोज़ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मजदूर मजदूरी कर रहा है, दुकानदारी अपनी कर रहा है, तो सब कुछ अच्छा हो रहा। तो बदलता कश्मीर तो है ही है। घंटा घर में पंछी भी पार नहीं मार सकता था। आज हम लाइव चलते हैं वहाँ पे, नया साल का एंजॉय करते, हर तरह का एंजॉय करते, लोग सेल्फियाँ खींचते, और क्या चाहिए हमें इससे ज़्यादा। उम्मीद रखते हैं जो आज उनका विजिट था, जो स्पीच था, जो इंटरेक्शन लोगों के साथ हो गई, कुछ और भी अच्छा हो जाए। जी जी, बहुत उम्मीदें लेके आए थे सब लोग और बहुत अच्छा उन्होंने स्पीच दी, बहुत अच्छी दी। क्योंकि कश्मीर क्यों अपना परिवार माना हुआ है, तो इससे बढ़ के क्या चाहिए? जो परिवार का हिस्सा होता है तो बहुत बड़ी बात होती है, आप सोचिए। तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आज तक अदर पार्टियों ने हमें दफन कर रखा था। पहाड़ी की आवाज़ दबी हुई थी और आज पहाड़ी की आवाज़ अगर निकाली है तो मोदी जी ने निकाली है। मोदी जी ने हमें हक दिया, पहाड़ियों का हक दिया, एसटी दी। और जो इस चीज़ को हम 70 साल की लड़ाई, हमारे बुजुर्ग भी चले गए दुनिया से, तो अभी तक वो चीज़ें हमें नहीं मिली थी। क्योंकि 18 साल एनसी ने भी राज किया तो उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। तो बट हम बहुत खुश हैं मोदी सरकार से, बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, ये आपको पता है। और उसके बाद मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ गरीब को कि गरीब अपना वोट मत जाया करना, कमल के फूल पे वो डालना मोर, क्योंकि आपका भविष्य, आपका फ्यूचर, आपका हर कुछ यही है। एक गरीब के पास एक वोट है, वो जाया मत करना। अदर पार्टियों को दोगे तो फिर टंगे रहोगे, क्योंकि आपके बच्चों का फ्यूचर है। ये जानो बाकी वस्तु। हम ये सोच नहीं सकते थे कि हम यहाँ तक आ सकेंगे और मोदी को खुद अपनी आंखों से देख सकेंगे। और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हमें अपना जो NRLM से हम जुड़ के यहाँ तक पहुँचे। हम कोशिश करते हैं कि इसे भी हम बढ़िया से बढ़िया आगे पहुँचे, ताकि हम जो अपना NRLM से जुड़े हैं, हम लखपति दीदी हैं, तो हम अपना काम बना के जो हमारी और भी बहनें हैं उनको भी हम आगे आने का ऑनर जो है उनको भी थोड़ा बोलने का मौका दे। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी हमारी बहनें हैं वो उनको हम सबको आगे लाएं।